बिहार के गोपालगंज में आजकल एक पेड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं। दरअसल गोपालगंज में 150 साल पुराना एक ऐसा वटवृक्ष है जो करीब एक बीघा के इलाके में फैला हुआ है। इस बरगद के पेड़ की करीब 200 शाखाएं हैं और शाखाएं एक दूसरे से गूंथकर जमीन में अपनी मोटी जड़ें जमा चुकी हैं। जड़ों के लिहाज से यहाँ सिर्फ एक पेड़ की वजह से जंगल जैसा नजारा दिखता है, जो कि इसे अपने आप में एक अजूबा बनाता है। ये पेड़ गोपालगंज जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर प्रखंड के राजापट्टी कोठी स्थित सोना सती देवी मंदिर के पास है। बताया जाता है कि इसे अंग्रेजों ने संरक्षित किया था। बीते जमाने में अंग्रेज यहाँ नील की खेती किया करते थे। उस दौरान यहाँ काम कर रहे मजदूरों को छाया और गर्मी के दिनों में ठंडक के लिए इस पेड़ को लगाया गया था। इस पेड़ की खासियत यह है कि इस पेड़ के बीच में और नीचे तापमान अन्य जगहों से 5 से 6 डिग्री कम रहता है। गर्मी के दिनों में चलने वाली लू और गर्म हवाएं इसकी छांव में पहुंचकर ठंड हो जाती। पर्यावरणविद और वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज अहमद के मुताबिक ऐसे पेड़ को अक्षय वट कहते हैं। इसकी शाखाएं 50 से 60 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है। और इसके प्लांट को दो फायदा है, वो कैनोपी को बढ़ा सकता है, दूसरे वाटर इंजीनियर के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। इस तरह के प्लांट के कैनोपी के एरिया में टेम्परेचर कम हो जाती है, क्योंकि इस प्लांट में फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ज़्यादा डेवलप किए रहते हैं, उनका दायरा ज़्यादा एरिया और ज़्यादा कवर करते हैं। और फोटोसिंथेटिक का बेसिक प्रिंसिपल है CO2 को कंज्यूम करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। और वैसे कोई भी क्षेत्र जहाँ CO2 ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा, वहाँ उसका टेम्परेचर डाउन होगा। यही कारण है कि कैनोपी वाले क्षेत्र में टेम्परेचर कम होते हैं। साथ ही साथ कैनोपी में ट्रांसपायरिंग पार्ट भी ज़्यादा होते हैं, जो अधिक से अधिक वाटर को जो प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, और 1 to 2% वो खर्च करके बाकी सारे को वेपर के फॉर्म में वाष्प के रूप में वो बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन करते हैं। उसमें की ट्रांसपायरेशन से उस कैनोपी एरिया में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि ये पेड़ पूजा के लिए तो है ही, साथ ही छांव और ठंडक भी देता है। बरगद के पेड़ में उनके बहुत फायदा बा। गर्मी के टाइम में सब लोग आराम करेला, माल मवेशी पूजा पाठ भी करे, लोग आवेला यहाँ, सब कुछ बा। ये बहुत पुराना पेड़ बाटे, कम से कम 250 बरस के पहले के बा। ये तो एक गाछ के बारे में बा। कितना डाली है इसमें? इसका इसमें 100-150 डाली है। जब गर्मी के मौसम में पूरा ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है। क्या खासियत है कि बहुत ठंडा रहता है, यहाँ गाछ वृक्ष है, इसलिए लोग आ करके आराम करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं यहाँ। बहुत वृक्ष भारी है, कम से कम 200-250 तो इसमें रहती है डाल। बहुत पुराना पेड़ है। कितना दिन से आप देख रहे हैं? हम तो 40-45 साल से देख रहे हैं। हमारा पिताजी भी देख रहे थे, हमारे बाबा जी भी देख लिए गाछ को, कि वो भी बोल रहे हैं कि हमसे बहुत पुराना गाछ है ये, पता नहीं कितना दिन पहले गए। जब सिर्फ एक पेड़ 5 से 6 डिग्री तापमान कम कर देता है, तो सोचिए ऐसे ही कुछ और पेड़ हमारी धरती को कितनी ठंडक दे सकते हैं। गोपालगंज से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, बिहार तक।